स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बताया कि स्वराज अभियान जय किसान आंदोलन के साथियों ने हरियाणा की बाजरे की मंडियों का दौरा शुरू किया है और आज तक ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दक्षिण हरियाणा के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसानों का दाना दाना खरीद करने वाली सरकार आज यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों का दाना दाना ना खरीदा जा सके। दक्षिण हरियाणा के किसानों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात से 1100 रुपए में बाजरा खरीद कर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसकी एंट्री 2150 रुपए के अंदर दिखाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ पर बहुत से घोटाले हो चुके हैं। बेचारा किसान थक हार कर चक्कर लगा कर वापिस घर चला जाता है। योगेंद्र यादव ने बताया कि मैं स्वराज अभियान जय किसान आंदोलन की तरफ से सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अगले 2 दिन के अंदर अगर यह व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो हम मंडी मंडी जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, सारा काम बंद करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सड़क भी बंद करेंगे। यहाँ के किसानों को ठगने का काम नहीं होने देंगे। दक्षिण हरियाणा के किसान को एक बार फिर ठगा जा सके। मेरी सूचना में तो ये भी आया है कि यहाँ एक और बड़ा घोटाला हो रहा है। गुजरात से 1100 रुपए में खरीद के यहाँ पे बाजरा लाया जा रहा है और उसकी एंट्री अब 2150 के अंदर दिखाई जाएगी। पहले भी यहाँ घोटाले हो चुके हैं। बेचारा किसान थका हारा अब चक्कर लगा लगा के वापस घर में चला जाएगा, 1200-1300 में बेच के अपना झंझट खत्म करेगा और गुजरात से आया हुआ सारा बाजरा 1100 रुपए का यहाँ पे 2150 में दर्ज हो जाएगा, किसानों को फिर ठगा जाएगा। मैं जय किसान आंदोलन की तरफ से, स्वराज अभियान की तरफ से, स्वराज इंडिया की तरफ से चेतावनी देता हूं सरकार को, अगर अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये व्यवस्था नहीं सुधरती है तो हम मंडी मंडी में धरना देंगे, सारा काम बंद करेंगे, जरूरत हो तो सड़क बंद करेंगे, यहाँ के किसान को ठगने का काम नहीं होने दिया जाएगा। इस वक्त सरसा में पिछले 10 दिन से एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। दिक्कत यह है कि हमारी एक जिले की खबर दूसरे जिले में नहीं जा रही है। सरसा में 6 तारीख को हजारों 15-20 हजार किसान इकट्ठे हुए। उन किसानों ने तब से पक्का मोर्चा लगा रखा है, दिन रात हजार किसान बैठा रहता है वहां पे एक मांग को लेके कि उप मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हो, तो चुन लो या तो कुर्सी या किसान। अगर कुर्सी प्यारी है तो फिर अपने आप को किसान हितैषी कहना बंद कर दो। वहीं बड़ौदा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। सिरसा में 6 तारीख को 15 से 20 हजार किसान इकट्ठे हुए और इन किसानों ने तब से पक्का मोर्चा लगा रखा है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दो। अगर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कुर्सी प्यारी है तो आप किसानों को हितैषी कहना बंद करें। वी न्यूज के लिए करीना से उमादत्त कौशिक की रिपोर्ट।